वीडियो शुरू करने से पहले ये क्लिप जरूर देख लीजिए। Household and consumers who traditionally leaned on banks for parking or investing their savings are increasingly turning to capital markets and other financial intermediaries. ये थे RBI गवर्नर शक्तिकांता दास। इनका कहना है कि रिसेंट ट्रेंड को देखा जाए तो बहुत सारे लोग अपना पैसा सेविंग अकाउंट में नहीं रख रहे हैं। फिर कहाँ रख रहे हैं? वो रख रहे हैं म्यूचुअल फंड्स में, इक्विटी में यानी शेयर मार्केट में और बाकी इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में। तो गवर्नर साहब का कहना है कि इंडियन बैंक्स आर गोइंग थ्रू वन ऑफ द वर्स्ट क्रेडिट क्रंच ऑफ इंडियन हिस्ट्री। पर वो ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो इसके चार रीजन। पहला, इंडियन बैंक्स की जो डिपॉजिट ग्रोथ है वो बहुत स्लो चल रही है। दूसरा, जो इंडियन हाउसहोल्ड्स हैं उनका जो सेविंग रेट है ये ऑल टाइम लो पर चल रहा है, यानी हमारी पहले की जनरेशन जिस तरह से पैसा सेव कर पाती थी उस तरह से हम पैसा सेव नहीं कर पा रहे हैं और इसीलिए बैंक में भी नहीं रख पा रहे हैं। तीसरा, इन्फ्लेशन बहुत तेजी से बढ़ रहा है। और चौथा है, लोन ग्रोथ बढ़ते ही जा रहा है, मतलब लोगों के पास पैसा नहीं है क्योंकि सेविंग हैबिट्स नहीं है, साथ ही इन्फ्लेशन काफी ज्यादा है। और जो भी पैसा लोगों के पास है वो लोग बैंक में नहीं रख रहे हैं, वो रख रहे हैं म्यूचुअल फंड्स में और इक्विटी में। अब जो लोग इक्विटी में पैसा डाल भी रहे हैं, सेबी के डेटा के अनुसार कई सारे बिगिनर्स वहां पर पैसा गवा रहे हैं क्योंकि उन्हें ये पता ही नहीं है कि किसी सही स्टॉक को या फिर सही कंपनी को कैसे चुनना है, जिसकी वजह से वो गलत स्टॉक्स चुन लेते हैं और अपना पैसा गवा बैठते हैं। अब अगर आप इन सारी चीजों से बचने के लिए कंपनी के फंडामेंटल्स और कंपनी के वैल्यूएशन को अच्छे से समझना चाहते हो, सीखना चाहते हो, तो मेरे पास आपके लिए एक बहुत बेहतरीन ऑफर है। हर इंडिपेंडेंस डे हम फंडामेंटल एनालिसिस का कोर्स लॉन्च करते हैं बहुत ही स्पेशल प्राइस पर। इस कोर्स में हम सिखाते हैं कि कैसे कंपनी के फंडामेंटल्स देखने हैं, उसका फॉरेंसिक एनालिसिस करना है, उसके बाद कंपनी का वैल्यूएशन निकाल के ये पता करना है कि शेयर्स अंडर वैल्यूड है या फिर ओवर वैल्यूड। इस पूरे कोर्स के बाद बड़े आसानी से आप ये सारी चीजें चुटकी में कर पाएंगे, अगर आप बिगिनर हैं तो भी। तो अगर आपको स्टॉक सिलेक्शन की पूरी प्रोसेस स्टार्ट टू एंड समझनी है तो आप इस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं, जहां पर इस इंडिपेंडेंस डे हमारी फ्रीडम सेल ऑफर में आपको ये 7000 रुपीस का कोर्स मिलेगा मात्र 2919 रुपीस में, विद नॉट वन ईयर टू ईयर, सीधे लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ। अब ये जो प्राइस है ये प्री लॉन्च ऑफर प्राइस है, इस प्राइस में आपको ये कोर्स बाद में कभी नहीं मिलेगा। सो डोंट मिस आउट ऑन दिस अपॉर्चुनिटी अगर आपको कंपनी के फंडामेंटल्स बहुत डिटेल में समझने हैं। तो इस ऑफर के बस आखिरी 3 दिन बचे हैं, तो ऑफर खत्म होने से पहले जरूर इसका फायदा लें। तो इस हालत में बैंक्स का क्या होगा, क्योंकि अगर आपको ज्यादा लोन्स देने हैं तो ज्यादा डिपॉजिट्स आपके पास होने चाहिए, अदरवाइज बैंक सर्वाइव कैसे करेगी? तो इसी चीज की डिटेल में बात करेंगे आज के इस वीडियो में कि क्या बैंक्स का लंच टाइम आ गया है या फिर समय रहते ही बैंक्स अपना बिजनेस मॉडल पिवोट करेगी, थोड़ा चेंज करेगी ताकि बदलती हुई दुनिया के साथ साथ वो भी बदले। नमस्कार, मैं प्रसाद आपका आज के इस वीडियो में स्वागत करता हूँ। तो ये पूरा मामला समझने से पहले सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि बैंक्स आखिर पैसा कमाती कैसे है। तो वो पैसा कमाते हैं ऑन इंटरेस्ट स्प्रेड, जिसे फाइनेंशियल लैंग्वेज में नेट इंटरेस्ट मार्जिन कहा जाता है। तो ये नेट इंटरेस्ट मार्जिन क्या होता है? तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन को अगर आसान भाषा में समझे तो जो भी डिपॉजिट्स बैंक के पास आते हैं FD के फॉर्म में, सेविंग अकाउंट के फॉर्म में, उस पर बैंक को एक इंटरेस्ट देना पड़ता है। उसी पैसों को यूज करके बैंक ज्यादा इंटरेस्ट पर लोगों को देगी, पर्सनल लोन, हाउसिंग लोन, बाकी चीजों के लिए। तो जिस इंटरेस्ट पे इन्होंने फंड्स रेज किया है बैंक्स ने और जिस इंटरेस्ट पे इन्होंने लोगों को लोन दिया है, इसके बीच का डिफरेंस, दैट इज नेट इंटरेस्ट मार्जिन। यही बैंक का बिजनेस है कि लो इंटरेस्ट में पैसा लाओ अपने पास, ज्यादा इंटरेस्ट में बांटो, बीच का जो मार्जिन है वो हमारा। अब सवाल ये आता है कि मान लीजिए एक बैंक है जिसके पास 100 करोड़ रुपीज का डिपॉजिट है, तो क्या वो 100 करोड़ पूरे का पूरा लोन दे सकती है? नहीं। बैंक्स को फॉलो करने पड़ते हैं RBI के रूल्स और रिकमेंडेशंस। ये रूल और रेगुलेशंस क्या है? पहला है कैश रिजर्व रेशो, जिसे CRR रूल कहते हैं। इसमें हर बैंक को अपने डिपॉजिट का सर्टन परसेंटेज RBI के पास जमा करना होता है। करंटली ये 4.5% है। और दूसरा है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, जिसमें बैंक को एक सर्टन परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट लिक्विड एसेट में रखना पड़ता है, जैसे कि कैश, गोल्ड, बॉन्ड्स वगैरह। और करंटली रिक्वायरमेंट मिनिमम 18% की है। मतलब ये दोनों चीजें अगर गई तो टोटल जितने भी डिपॉजिट्स आए हैं 100 करोड़ के, उसमें से 77.5 करोड़ रुपीस के ही लोन वो बैंक बांट सकती है। अभी जो डिपॉजिट्स आते हैं उसमें दो हिस्से पड़ते हैं। पहला है कासा, यानी करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट से आने वाला। अब देखिए, करंट अकाउंट पर बैंक कितना इंटरेस्ट देती है? 0। सेविंग अकाउंट पर भी बहुत कम होता है, 2-3% का। ये हो गया पहला सोर्स। दूसरा सोर्स होता है FD और अदर्स, जिसमें कई बार बैंक्स बाकी बैंक से भी लोन लेती हैं। अब आप ही मुझे बताइए कि इन दोनों सोर्सेस में से बैंक के लिए सबसे बेटर कौन सा है, कासा या फिर FD एंड अदर्स? बिल्कुल कासा, क्योंकि कासा पर इनको ज्यादा कुछ पैसा देना ही नहीं है, वहीं पर FD पर ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ता है। इसीलिए कासा रेशो बैंक का जितना ज्यादा उतना बेहतर। एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेते हैं जिससे आपको ये सारी चीज समझ में आ जाएगी। मान लीजिए ABC नाम का बैंक है जिसके पास 1000 करोड़ का डिपॉजिट है, जिसमें से 500 करोड़ का कासा है और 500 करोड़ FD से आया हुआ है। अब मान लीजिए कासा पर बैंक पे करती है 2% ऑन एन एवरेज और FD पर 8%, तो इंटरेस्ट पेमेंट निकल कर आ जाएगा 2% ऑन 500 करोड़ = 10 करोड़, और 8% ऑन 500 कितना होता है? 40 करोड़।
तो टोटल इंटरेस्ट हो गया 50 करोड़ का। अब वहीं पर बैंक सिर्फ 77.5% का ही लोन बांट सकती है, यानी 1000 का 77.5 कितना हुआ, 775 करोड़। तो मान लेते 12% के हिसाब से बैंक 775 करोड़ का लोन दे देती है तो 93 करोड़ उन्हें मिलते हैं। तो बैंक का जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन हो गया वो कितना हुआ, 93 करोड़ माइनस 50 करोड़ इज इक्वल टू 43 करोड़। तो यहाँ पर इंटरेस्ट में बैंक ने कितना पैसा कमाया, तो 93 करोड़ का इंटरेस्ट बैंक को मिला, 50 करोड़ का इंटरेस्ट उन्हें डिपॉजिटर्स को देना पड़ा, तो उनके लिए बचा है 43 करोड़ रुपीस। तो इससे एक चीज तो पक्के कि जितना कासा कम होगा यानी करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट से आने वाला डिपॉजिट कम होगा, वैसे ही बैंक से जो मार्जिन है वो कम हो जाएंगे, प्रॉफिटेबिलिटी पर भी इसका फर्क पड़ेगा। अब ये देखते हैं कि कासा आखिर कितना कम हो रहा है, किस रेट से कम हो रहा है। स्क्रीन पर आप HDFC बैंक का कासा देख सकते हो, यहाँ आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि 1995 से 2000 और 2000 से 2005 तक ये डबल होते जा रहा था। अब रिसेंट टाइम में वो ग्रोथ थम सी गई है। यही हाल है SBI का, ICICI का और बाकी सारी बैंक्स का। तो ये तो क्लियर है कि कासा रेशो धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन सवाल ये भी है कि अगर लोग बैंक में पैसा नहीं रख रहे हैं तो आखिर वो कहाँ रख रहे हैं। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि इंडियन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का नेट एसेट अंडर मैनेजमेंट यानी AUM जून 2014 में था 9.75 लाख करोड़, और अब वो यानी मात्र 10 साल में गेस कीजिए कितना हुआ होगा, 61.16 लाख करोड़, यानी 527% से ज्यादा। और अगर फ्यूचर की प्रोजेक्शन की बात करें तो ये 2-3 साल में ही 100 लाख करोड़ हो जाएगा। तो ये तो बात हो गई म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की। अब बात करते हैं शेयर मार्केट की। तो आपके स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो कि 2015 तक मात्र 2 करोड़ डीमैट अकाउंट खुले थे और 2024 में अब ये नंबर 15 करोड़ तक पहुंच चुका है। और इसी बीच रिटेल पार्टिसिपेशन काफी बढ़ गया है। अब ये तो बात हो गई म्यूचुअल फंड्स और शेयर मार्केट की। अब यहाँ पर हम एक क्लियर पिक्चर देखें तो वो ये है कि जो डिपॉजिट्स है बैंक में आने वाले उसकी ग्रोथ हो रही है लगभग 11% से, और जो लोन बैंक दे रही है उसकी ग्रोथ काफी फास्ट है, वो है 17.5%। तो पिक्चर बड़ी क्लियर है, कासा घट रहा है और वो पूरा पैसा लोग लगा रहे हैं म्यूचुअल फंड में और शेयर मार्केट में। और वही दूसरी तरफ ज्यादा से ज्यादा लोग लोन भी ले रहे हैं, तो ये बैंक्स के लिए स्ट्रेस वाली बात है, RBI के लिए भी और गवर्नमेंट के लिए भी। इसके चलते कई सारे लोगों के दिमाग में एक डाउट आ रहा है कि क्या इसी के चलते सरकार ने लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स तो नहीं बढ़ाया, और साथ ही शेयर बायबैक पर टैक्स तो नहीं लगाया, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड के बजाय बैंक में पैसा रखें। इसमें आपका क्या विचार है कमेंट करके जरूर बताइए। इसी प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए फिर बैंक्स ने एक आइडिया लगाया कि क्यों ना जीरो अकाउंट बैलेंस अकाउंट खोले जाए, लेकिन इस चीज से बैंक्स को जितना फायदा हो सकता था उससे ज्यादा नुकसान ही हो रहा है, क्योंकि ज्यादातर लोग अब इसी टाइप के अकाउंट खुलवा रहे हैं जिससे बैंक से एक अच्छा खासा इनकम सोर्स बंद हो सकता है। कैसे जानते हैं? अब देखिए बैंक का इंडिया में एक अलग ही इनकम सोर्स है, उसका नाम है मिनिमम मेंटेनेंस बैलेंस चार्ज, और ये कोई छोटा मोटा इनकम सोर्स नहीं है। स्क्रीन पर आप देखिए कि सिर्फ 2024 में 11 सरकारी बैंक्स ने 2331 करोड़ रुपीस कमाए हैं सिर्फ मिनिमम बैलेंस अकाउंट चार्जेस से, और PNB ने अकेले 633 करोड़ रुपीस इस सोर्स से कमाए हैं, जितना तो जोमेटो का प्रॉफिट भी नहीं है। लेकिन अब चीजें चेंज हो सकती है, बिकॉज अपोजिशन के लीडर ने भी रिसेंटली ये सवाल रेज किया था मिनिमम अकाउंट बैलेंस का, जिसके चलते SBI ने मिनिमम बैलेंस पेनल्टी को बंद कर दिया है। तो अब बस ये टाइम की बात है कि कब बैंक का ये इनकम सोर्स बंद हो जाएगा, क्योंकि ये कोई रिलायबल इनकम सोर्स नहीं है। पर इन सारी चीजों का मतलब ये नहीं है कि बैंक्स बंद हो जाएगी, फर्क बस इतना है कि जो ट्रेडिशनल तरीका उनका अभी तक चल रहा था वो उन्हें बदलना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो आगे इसी मॉडल को फॉलो करेंगे तो प्रॉब्लम्स आने वाली है। अब इसमें विनर वही रहेगा जिसके पास बैंक का अच्छा IT इंफ्रास्ट्रक्चर हो, फिजिकल ब्रांचेस से ज्यादा फोकस डिजिटल सुविधाओं पर हो। तो रिसेंट टाइम में अगर देखें तो बैंक्स इसीलिए डिजिटल चीजों पर ज्यादा फोकस कर रही है। ICICI बैंक हो या फिर फेडरल बैंक हो, इन्होंने कई सारी न्यू बैंक्स के साथ टाई अप किया है, जैसे कि जुपिटर हो, Fi.Money हो। HDFC बैंक ने भी रिसेंट टाइम में अपना जो UPI ऐप है जिसका नाम है PayZap, उसका काफी जोरों शोरों से प्रमोशन किया है। आपने पूरे IPL और वर्ल्ड कप में उनका ऐप जरूर देखा होगा। तो बैंक्स भी अब क्लियरली समझ गई है कि अब वो समय गया जब लोग दूर दूर से बैंक में आएंगे चलकर, लंबी कतारों में खड़े रहेंगे, फिर काउंटर से व्यक्ति बोलेगा लंच के बाद आओ, तो लोग रुकेंगे लंच तक, लंच के बाद में वापस लाइन में लगेंगे और फिर अपनी बैंक्स की जो प्रक्रिया है वो पूरी करेंगे। आज की जो जनरेशन है उसमें उतना पेशेंस नहीं है, दे वांट एवरीथिंग डिजिटल। तो जो बैंक्स जल्दी इन चीज़ों को अडॉप्ट करेगी उसे बेनिफिट मिलेगा, प्लस बैंक्स को अल्टरनेट वेज ऑफ फंडिंग निकालने पड़ेंगे, क्योंकि एक तरफ कासा नहीं बढ़ रहा है, दूसरी तरफ लोन की ग्रोथ बहुत तेजी से बढ़ रही है। यानी अगर बैंक को बहुत तेजी से बढ़ना है तो ज़्यादा लोन बांटने पड़ेंगे ऑफकोर्स, और ज़्यादा लोन बांटने के लिए पैसा कहाँ से आएगा, तो अल्टरनेट सोर्स ऑफ फंडिंग उन्हें ढूंढनी पड़ेगी। अब यहाँ पर बैंक का रेपुटेशन काफ़ी काम में आएगा, क्योंकि अगर किसी बैंक का रेपुटेशन काफ़ी अच्छा है तो उन्हें इंटरनेशनल मार्केट में या फिर बाकी जगह से कम इंटरेस्ट में पैसा मिल सकता है, जिसे वो ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पर अपने कस्टमर्स को दे सकते हैं। सो दिस कुड बी अ न्यू मॉडल जहाँ पर सबसे ज़्यादा बड़े बेनिफिशियरीज वो होंगे जिनका ट्रस्ट फैक्टर सबसे ज़्यादा है मार्केट में। तो कासा रेशो मुझे लगता है आने वाले टाइम में और भी कम होगा, जिसके पीछे सिंपल रीजन है कि कई सारे लोग शॉर्ट टर्म डेट फंड में, लिक्विड फंड में पैसा डाल रहे हैं, ताकि वो अपने सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट से बेटर रिटर्न्स कमाएं।
कई सारे लोग अभी 2 मिनट में FD कर रहे हैं ऑनलाइन। अगेन FD इज अ हाई कॉस्ट थिंग फॉर द बैंक्स, बट लोगों के लिए वो भी कन्वीनियंट हो गई है। 7 दिन की FD आती है, महीने की आती है, 2 महीने की आती है, और धीरे धीरे फिनोशियंस का चैनल देखकर काफी सारे लोग अवेयर हो रहे हैं, तो उन्हें पता है कि हमें अपना पैसा कहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहिए जहाँ पर हमें बेटर इंटरेस्ट रेट मिले और इन्फ्लेशन को हम इजिली बीट कर पाए। तो इजिली हम ये कह सकते हैं कि टफ टाइम फॉर बैंक्स, काफी इनोवेट करना पड़ेगा, काफी क्रिएटिव होना पड़ेगा, तभी जाकर चीजें आगे बन पाएगी। अदरवाइज सिचुएशन कैन बिकम वेरी वेरी टफ, और जो स्ट्रगल NBFC को करना पड़ता है आने वाले टाइम में, वही स्ट्रगल बैंक्स को करना पड़ता है। बैंक्स के पास NBFC के कंपैरेटिवली बेटर चीज क्या है? कासा। अगर वही नहीं रहेगा तो बैंक्स आर नथिंग बट NBFC जैसी फंक्शनलिटी करने लगेंगे। तो इसीलिए बैंक्स को जल्दी नींद से उठना पड़ेगा, कुछ ना कुछ फिगर आउट करना पड़ेगा और जल्दी इनोवेशन के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। साथ ही इसका ये मतलब नहीं कि बैंक स्ट्रगल करेगी, बैंक्स में बहुत ज़्यादा ग्रोथ, लोन इंडस्ट्री इतनी तेज़ी से बढ़ रही है कि पूछिए मत। तो यहाँ पर जो बैंक सही टाइम पर अपॉर्चुनिटी को टैप करेगी और यहाँ से सोल्यूशन निकालेगी, वो बहुत बड़ा विनर बनेगी। करंट जो बड़ी बड़ी बैंक से वो साइज कुछ नहीं है, उससे भी कई गुना बैंक्स बढ़ सकती हैं, इतनी तेज़ी से लोन इंडस्ट्री बढ़ रही है। सो अपॉर्चुनिटी आपके सामने है, प्रॉब्लम आपको पता है, सोल्यूशन आपको पता है, अब आपको ऑब्जर्व करना है कि कौन से बैंक सही तरीके से सोल्यूशन लाती है और इस